नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। यूएस चीन में ट्रेड डील से सोने चांदी पर दबाव, M6 पर दो हफ्ते के निचले स्तर के करीब सोना, इंट्राडे में 46,000 के नीचे फिसली चांदी। मिडिल ईस्ट में तनाव खत्म होने से क्रूड पड़ा ठंडा, लेकिन सुबह की सुस्ती के बाद हल्की खरीदारी लौटी, अब यूएस चीन ट्रेड डील पर नजर। डिमांड घटने से निकल में कमजोरी, M6 पर करीब 1.5% टूटा भाव, जिंक और एल्यूमिनियम भी कमजोर। सुबह कमजोर शुरुआत के बाद खाने के तेलों में हल्की खरीदारी लौटी, लेकिन क्रूड पाम ऑयल अब भी कमजोरी के साथ कर रहा है कारोबार। और 31 मार्च से आगे बढ़ सकती है उड़द इंपोर्ट की डेडलाइन, तय वक्त तक इंपोर्ट कोटा पूरा होने की उम्मीद नहीं, कारोबारियों ने की थी डेडलाइन बढ़ाने की मांग। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। सबसे पहले इस वक्त का एक्शन आपको बता देते हैं कमोडिटी बाजार का, और सबसे पहले नजर डालेंगे सोने और चांदी की कीमतों पर। हालांकि हमने देखा है कि एक जोरदार मोमेंटम के बाद अब भाव जो है वो थोड़े से नरम हुए हैं ऊपरी स्तरों से। यूएस चीन में जो ट्रेड डील हुई है उसका भी इम्पैक्ट दिखा है, अब 1/4% नीचे तो गोल्ड ट्रेड कर रहा है 40,000 के नीचे हालांकि, और सिल्वर 1% कमजोर है 40,000 के लेवल्स यहां पर देखे जा रहे हैं। क्रूड एक बार देख लेते हैं, यहां पे हमने एक मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच में काफी मोमेंटम बनता हुआ देखा था, लेकिन अब जो प्राइसेस हैं वो ऊपरी स्तरों से फिसले हैं। हालांकि दिन के निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी जरूर आई है, 4135 के लेवल्स देखे जा रहे हैं M6 पर, और ब्रेंट भी $64.5 के आसपास कर रहा है ट्रेड। मेटल्स देख लेते हैं वहां पर क्या रुझान है, हालांकि बहुत मिक्स्ड रुझान बना हुआ है बेस मेटल में से, लेकिन उससे पहले देखिए आप नेचुरल गैस को, 2.25% की मजबूती, 157 के लेवल्स पर कर रहा है ट्रेड। मेटल्स आप देखिए 1.5% नीचे ट्रेड हो रहा है निकल, सिर्फ एक लेड है जो कि हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहा है, बाकी तमाम मेटल्स में सुस्ती देखी जा रही है। एग्री कमोडिटीज की ओर रुख करें तो एक बार एडिबल ऑयल सेगमेंट को देख लेते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि सुबह एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी पूरी एडिबल ऑयल स्पेस में, यहाँ पर अब मस्टर्ड सीड थोड़ा सा रिकवर हुआ है निचले स्तरों से, और बाकी भी तिलहन में भले लाल निशान है लेकिन निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखी है, तो ये रुझान बना हुआ है एडिबल ऑयल सेगमेंट में। एक बार देख लेते हैं स्पाइसेस में कैसे ट्रेड हो रहा है, और स्पाइसेस अगर आप देखेंगे तो कोरिएंडर 13 रुपये ऊपर है, कार्डमम में हम 1.25% की मजबूती देख रहे हैं, टर्मरिक भी ऑलमोस्ट 0.25% ऊपर है, जीरा हालांकि 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए अब एक्सपर्ट्स को करते हैं शामिल, हमारे साथ इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन है, SSG फाइनेंस सिक्योरिटीज के प्रियंक उपाध्याय है, और साथ ही CNBC TV18 की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता भी है। सभी मेहमानों का स्वागत है, शुरुआत कर लेते हैं हॉट पिक्स के साथ, और प्रियंक गुड इवनिंग, पहले आप बताइए आपके रिकमेंडेशन क्या है। गुड इवनिंग, आज हमारी पिक कॉपर में रहेगी, 448.5 के आसपास बाई किया जा सकता है, 445 स्टॉप लॉस रहेगा, शॉर्ट टर्म टारगेट्स 453.5 के रहेंगे। दूसरी पिक नेचुरल गैस में रहेगी, लोअर लेवल से 150 का सपोर्ट्स होल्ड हो रहे हैं, मुझे लगता है कि एक स्पॉट ऑन द हायर साइड दिख सकता है, तो 156 का बाइंग लेवल रहेगा, 150 का स्टॉप लॉस रहेगा, और शॉर्ट टर्म टारगेट्स हम 165 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है मनोज जी, आपके हॉट पिक्स क्या हैं? सर मेरी यहाँ दोनों ही खरीदारी की पिक रहेगी, पहली यहाँ हल्दी वायदा में 6340 के स्तरों पर खरीदारी करना चाहिए, 6280 का एक स्टॉप लॉस रखें और लक्ष्य होगा 6480 और 6550। दूसरी पिक होगी कॉटन सीड ऑयल के एक फेब्रुवरी वायदा में, यहाँ भी 2115 के आसपास जो है खरीदारी करना चाहिए, 2095 का एक स्टॉप लॉस रखें, लक्ष्य होगा 2145। ठीक है, तो ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं प्रियंक और मनोज जी की ओर से, लेकिन गोल्ड पर और सिल्वर पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आज दबाव के साथ ट्रेड हो रहा है, कल भी थोड़ा सा मूड बिगड़ा हुआ ही था, और अमेरिका चीन में जो ट्रेड डील हुई है उसकी वजह से सोने पर ये रिस्क बढ़ता हुआ दिखा है, जिसके बाद हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जो सोने के प्राइसेस है वहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। अभी आप देखिए 39,500 के नीचे गोल्ड है और सिल्वर अब 40,000 के नजदीक कर रहा है ट्रेड। मनीषा जी, इनफैक्ट एक अच्छा मोमेंटम दिखाने के बाद, नए लेवल्स टच करने के बाद ये प्रॉफिट बुकिंग आई है, लेकिन अभी यहां से गोइंग फॉरवर्ड अगर अगले 15-20 दिन का आउटलुक लेना हो तो क्या लग रहा है कि ये ऐसी सुस्ती बरकरार रह सकती है या फिर जो ये एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देखना है खरीदारी के लिए?
आई थिंक दीपाली एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे तो इसे पक्के से देखना ही चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो फंडामेंटल्स हम 2020 के लिए देख रहे हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो नियर टर्म वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है वो ऑफकोर्स अकाउंटेड नहीं थी, मिडल ईस्ट टेंशन की वजह से हमने 1610 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए देखे। भारतीय बाजारों में हमने 41300 के ऑल टाइम हाइज बनते हुए देखे, और 41300 से जो ये 39400-500 के लेवल्स हैं तो क्लियरली 2000 रुपए की करेक्शन हम यहाँ पर ऑलरेडी देख चुके हैं। चार्ट्स पे हल्का सा वीक नजर आता है और बाजार मानता है कि अगर 1530-1520 के लेवल्स टूटते हैं तो यहां पर कुछ बहुत और मुनाफा वसूली आ सकती है। जहां तक यूएस और चाइना की बात है वो चीज बाजार में अब फैक्टर इन हो चुकी है, और जैसा कि हम हमेशा देखते हैं कि बाजार बाय ऑन र्यूमर सेल ऑन फैक्ट करता है, वही काफी हद तक स्थिति अब हमने बाकी कमोडिटीज एसेट क्लासेस में भी आते हुए देखी है, जहां पर मेटल्स में थोड़ी सी बिकवाली है, कच्चा तेल लगातार गिर रहा है, तो ये चीज काफी हद तक फैक्टर इन हो चुकी है। और बाजार ये भी मान रहा है कि थोड़ा सा जो सरप्राइज हमें शायद यूएस चाइना की तरफ से देखने को मिल सकता है वो ऑन द डाउन साइड होगा, अपसाइड नहीं होगा। तो बाजार एज ऑफ नाउ बहुत कुछ मांग के चल रहा है, मान के चल रहा है, क्या वो हमें कल देखने को मिलेगा उसके ऊपर एक नजर रखनी होगी। जहां तक सोने की बात है, आई थिंक 29100-150 के आसपास अच्छे खासे सपोर्ट लेवल्स हैं, खरीदारी उन लेवल तक स्टॉप लॉस कर लेके भी फिलहाल शायद की जा सकती है। क्विकली प्रियंका, आपका व्यू क्या है या फिर क्या सजेशन अपने क्लाइंट्स को आप अभी दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर पर? देखिए, नियर टर्म में हमने देखा है कि गोल्ड सिल्वर में जो डाउनसाइड वॉलेटिलिटी प्ले हुई है वो एक अपॉर्चुनिटी है टू गो लॉन्ग एट लोअर लेवल्स, क्योंकि जो मीडियम टर्म और लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी अपसाइड का दिखता है। एंड जिस तरह से अभी ये ट्रेड डील का मुझे लगता है कि फैक्टर इन कहीं ना कहीं हो चुका है प्राइसेस में, तो यहाँ से अभी फ्रेश इकोनॉमी में अगर अपटर्न आता है तो अब जाके कोई तेजी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो गोल्ड और सिल्वर के लिए मंदी का माहौल क्रिएट कर सकती है। बट अभी वहाँ पे कोई इंडिकेशन नहीं है वो फ्रंट पे, तो मुझे लगता है कि 1520 और $1500 ये एक शॉर्ट टर्म में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स होल्ड होने चाहिए। तो ये जो करेक्शन आया है मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी है बाई के लिए। घरेलू लेवल्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 39,300 से लेकर 39,000 ये रेंज एक सपोर्ट रेंज का काम करेगी नियर टर्म में। यहाँ से हम एक बाउंस बैक अगेन टूवर्ड्स 40,000 प्लस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों कमोडिटीज पर आपका आउटलुक मिला। क्विकली प्रियंक, आउटलुक अपना क्रूड पर भी दे दीजिए, क्योंकि मिडिल ईस्ट टेंशन खत्म होने के बाद जो तेजी बनी थी वो तो गायब हुई है, लेकिन आज जो निचले स्तरों से रिकवरी दिखी है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये रिकवरी और एक्सटेंड हो सकती है? देखिए, या जो क्रूड में हमने देखा है कि जो प्रीमियम था, रिस्क प्रीमियम, वो चला गया है। मिडल ईस्ट टेंशंस अभी पीछे चले गए हैं, तो एक प्रॉफिट टेकिंग देखा है और अभी नीचे के लेवल से एक बाउंस बैक दिखा है। ये मुझे लगता है कि ये बाउंस बैक के तरह ही देखना चाहिए। अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड बेरिशनेस की तरफ ही दिखता है, तो मे बी ऑन द रैलीज टूवर्ड्स 4200 के आसपास, 4200-4230 फिर से एक रेजिस्टेंस बनेगा मार्केट्स में, तो वो एक लेवल से रहेंगे जहां पे आप फिर से शॉर्ट सेल की रणनीति कर सकते हैं। अभी कोई बाइंग की चेष्टा ना की जाए लेवल्स पे। ठीक है, तो बाय कर रही है तो सलाह नहीं है, अपॉर्चुनिटी बिकवाली की तरफ देखनी है क्रूड में। लेकिन आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे अब मंडी अपडेट का। और बात करेंगे दालों की, क्योंकि दालों की कमी को देखते हुए सरकार उड़द के इंपोर्ट की डेडलाइन बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मिली इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सरकार मौजूदा 31 मार्च के इंपोर्ट डेडलाइन को आगे बढ़ा सकती है। मौजूदा साल में सरकार ने 400,000 टन उड़द इंपोर्ट का कोटा तय किया है, और इसी पर इनफैक्ट और बातचीत भी कर लेते हैं। इंडियन पल्सेस एंड ग्रीन एसोसिएशन यानी इब्जा के बिमल कुठारी भी हमारे साथ मौजूद है, मनीषा गुप्ता भी बनी हुई है। मनीषा जी, पहले तो इस खबर को कैसे देखना चाहिए प्राइस इंपैक्ट के हिसाब से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत एक्शन रहा है दालों की कमी की वजह से प्राइसेस में, और अब जो ये डेडलाइन बढ़ाई जा रही है इसके क्या मायने हैं? जी हाँ दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा, और सभी पल्सेस में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा तेजी यहाँ पर उड़द के भावों में देखने को मिली है। जिस तरह का मॉनसून रहा है उसने काफी डैमेज यहाँ पर उड़द की फसल को किया, और हमने भाव यहाँ पर भागते हुए देखे हैं, और इसीलिए सरकार ने यहाँ पर इम्पोर्ट्स भी इनकरेज किया था। 400,000 टन यहाँ पर 250,000 टन से बढ़ाकर इम्पोर्ट करना अलाउ किया था, और अब माना यह जा रहा है कि जिस तरह के इम्पोर्ट्स फिलहाल यहाँ पर हुए हैं बहुत नहीं है, समय शायद कम पड़ सकता है, और इसीलिए 31 मार्च से इसको बढ़ा के 31 मई किया जाए, ऐसी
की मांग हमने यहाँ पर एसोसिएशन की तरफ से आते हुए देखी है और उसका हमने असर भी यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। बिमल जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिमल जी आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि आप ही की एक एसोसिएशन है जिसने सरकार से मांगा है कि जो ये डेडलाइन है इसको एक्सटेंड किया जाए अगले 3 महीने के लिए, कितना असर इसका होगा, कितना इम्पोर्ट आप आता हुआ देखते हैं और इसका प्राइसेस पे क्या इम्पैक्ट रह सकता है? मनीषा जी आपने ठीक कहा कि हमने सरकार से अपील की है कि जो डेडलाइन है 31 मार्च से बढ़ा के इसको 2 महीने और बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक जो कोटा जो सरकार को रिलीज करना चाहिए 31 दिसंबर डेडलाइन थी, जो इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट किए थे वो उसका डेडलाइन 31 दिसंबर था। आज 14 जनवरी हो चुकी है, अभी तक कोटा रिलीज नहीं हुआ है, तो एक तो इसमें जो देरी हो रही है इससे प्राइस पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सरकार को तुरंत जो डीजीएफटी को जो कोटा है ये तुरंत जल्दी से जल्दी रिलीज करना चाहिए, क्योंकि इसमें जितनी डिले होगी 31 मार्च तक का जो डेडलाइन है उसमें और फर्दर और एक्सटेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए जो डीजीएफटी का जो कोटा है ये तुरंत रिलीज होना चाहिए। इसमें दो हमने तो ये फर्दर अपील की है कि उड़द का चूंकि इस साल काफी शॉर्टेज है और हमारे सूत्रों के हमारे आईपीजे के जो हमारे सोर्सेज है उसके हिसाब से यहाँ अलग से 40-50% की जो क्रॉप डैमेज हुई है उसे काफी कमी रहेगी पूरे साल में, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदुस्तान में जो नेक्स्ट बड़ी क्रॉप आती है वो फिर सितंबर अक्टूबर में है, क्योंकि फरवरी में एक आंध्रा में एक छोटी क्रॉप आती है लेकिन उसका कंजम्पशन उसी एरिया में हो जाता है जी। तो वो अवेलेबिलिटी बेसिकली पूरे 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 देश के लिए नहीं रहती है। बिमल जी तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो खरीफ है कि पूरा इम्पोर्ट खोल देना चाहिए उड़द का, क्योंकि उड़द की जो अवेलेबिलिटी है वर्ल्ड मार्केट में भी वो सिर्फ म्यांमार में है और वहाँ पे भी जो प्रोडक्शन है वो 4-5 लाख टन लगभग 5 लाख टन। तो बिमल जी आपको फिलहाल क्या लगता है कि खरीफ की जो उड़द की फसल है वो क्या इस बार एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि पिछले साल 2.6 मिलियन टन था, इस बार क्या एक्सपेक्टेशन है? इस बार यानी आप कब की बात कर रहे हैं, मतलब जो 19-20 खरीफ की जो फसल है उसकी बात कर रहे हैं आप? 19-20 खरीफ। हाँ तो 19-20 क्रॉप खरीफ क्रॉप में हम लोग 15 हमारा जो एस्टिमेट है 15-20 लाख टन से ज्यादा क्रॉप नहीं होनी चाहिए, इसीलिए इतने दाम बढ़े हैं। हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन है लगभग 31 लाख टन का होता है और लगभग 40-50% तक क्रॉप डैमेज हुई है, यानी कि बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान है। एक फाइनल प्राइस 45 रुपए से 70 से 75 रुपए हो गई, प्राइस इसलिए इम्पैक्ट है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी फसल बहुत कमी है। एक फाइनल सवाल बिमल जी आपसे लेना चाहेंगे और वो है रबी चना की फसल, जहाँ पे अच्छा खासा हमने नंबर आते हुए देखा है, बुआई के हिसाब से पिछले साल के मुकाबले करीब 9% ज्यादा है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वहां से कुछ सपोर्ट आएगा कि बाकी दालें यहां पर बेहतर दिख रही हैं? नहीं बिल्कुल, चने की अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आ रही है राजस्थान में खासकर चने की क्रॉप भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी की बहुत अच्छी बात हो रही है। अगर कोई मौसम की कोई मारना पड़े तो मैं समझता हूं कि चने की एक रिकॉर्ड क्रॉप होगी, उससे हमारे दूसरी पल्सेज को जो प्राइसेज है उसमें ईज होगा, लेकिन हमारे यहाँ जो कंजम्पशन पैटर्न है जो पल्सेज चाहिए वो चाहिए ही, अगर उड़द की जरूरत है तो उड़द की जरूरत रहेगी और बड़े उसके प्राइस 70 रुपए हो जाए 75 हो जाए तो उसका कंजम्पशन जो पैटर्न है इन सर्टेन पॉकेट्स वहाँ पे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी, तुअर की जहाँ कंजम्पशन है वहाँ जहाँ तुअर की जरूरत है वहाँ तुअर की जरूरत रहेगी, लेकिन चने से बिल्कुल सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि चने का अभी तक जो सिचुएशन है, अभी तक जो हमें अनुमान मिल रहा है उससे चने की बहुत अच्छी क्रॉप होनी चाहिए जी। शुक्रिया मिस्टर कोठारी ये व्यूज देने के लिए। तो ये आउटलुक था यहाँ पर, हालांकि अगर उड़द की प्रिसाइसली बात करें तो रिटेल में हमने भाव 110 तक भी जाते हुए देखे हैं, लेकिन अगर इम्पोर्ट की डेडलाइन बढ़ती है तो हो सकता है भाव में थोड़ी सी नरमी दिखे। लेकिन मनीषा जी आपका भी शुक्रिया इन तमाम खबरों पर अपने व्यूज देने के लिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आपके सवालों को करेंगे शामिल, आप देखते रहिए कमोडिटी कॉल। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, प्रियंक उपाध्याय मनोज कुमार जैन हमारे साथ हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, और पहले कॉलर राजकुमार भी हमारे साथ एमपी से फोन लाइन पर हैं। राजकुमार जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरा ये जनवरी हुआ था 2 लाख नेचुरल गैस में भाई है 160 रुपए। किस प्राइस पर? 160 पर, ठीक है पूछ लेते हैं। प्रियंक बताइए क्या करना है, 160 के प्राइस पर इन्होंने बाय किया हुआ है, आपने तो इनफैक्ट आज हॉट पिक्स में बाय रेकमेंडेशन दी भी है 165 के टारगेट के साथ, तो इनको भी होल्ड रखना चाहिए?
जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में दिख रहा है कि 150 का सपोर्ट होल्ड हो रहा है और 150 से लेके 160 के रेंज में अभी कंसोलिडेट हो रहा है। एक्सपेक्टेशन यही है कि एक ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये बने रह सकते हैं। 150 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 165 के आसपास के टारगेट्स रहेंगे। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है। अगले कॉलर कमलेश है हमारे साथ फोनलाइन पर बिहार से। कमलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। मैम मेरा सवाल था, मैंने 8300 पे सीपीओ शॉर्ट किया है, तो उसमें आगे क्या ट्रेंड रहेगा। ठीक है मनोज जी, बताइए सीपीओ पर क्या आउटलुक है आपका, क्योंकि इन्होंने बिकवाली की पोजीशन बनाई हुई है 830 के लेवल्स पर। अब क्या सजेशन इनके लिए आप आपको देंगे, क्या करेंगे। 834 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, 814 तक के स्तर यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, वहां पे मुनाफा वसूली की रणनीति रखना चाहिए। ठीक है, तो पोजीशन आपको बताई गई है, होल्ड कीजिए आप, और फिलहाल आपके भाव से नीचे ट्रेड कर रहा है तो आप मुनाफे में। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द वापस आते हैं, कुछ और सवालों को लेते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल, दोनों मेहमान हमारे साथ हैं सवालों के जवाब देने के लिए। अगला एसएमएस आया है विवेक का रामपुर से, सवाल है इनका गोल्ड पर, एक लॉट इन्होंने बाय किया हुआ है 40,650 के प्राइस पर। प्रियंक बताइए अब इनको क्या करना है, क्योंकि इन्होंने ऊपर तो लिया है अब नुकसान में है, क्या सजेशन होगा। ये सजेशन ये है कि उन्होंने अगर शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से लिया है, तो अगर कोई बाउंस बैक आता है मे बी अराउंड अगेन टुवर्ड्स 40,000 के आसपास, तो एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर मैं देखूं तो एक डिप आ सकता है टुवर्ड्स 39,300 में और 39,000 जोन्स तक, वहाँ पे मुझे सपोर्ट्स इमर्ज होते हुए दिखते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से बाउंस बैक पे एक बार एग्जिट ले लेना चाहिए, और नीचे में अगर 39,300 जोन्स मिलते हैं वहां पे फिर से रीएंटर का सोच सकते हैं वो। ठीक है, एसएन मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जोधपुर से, नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। सर मेरे पास माफ कीजिए, पंकज हमारे साथ है महाराष्ट्र से। हां जी, 250 बोरी सोयाबीन है, और इसके अलावा क्या है आपके पास। 100 क्विंटल कपास है, क्या दाम बढ़ सकते हैं आगे। ठीक है पूछ लेते हैं मनोज जी, बताइए किसान है ये, 250 बोरी सोयाबीन है और 100 क्विंटल कॉटन है इनके पास। सोयाबीन में हमने ऊपरी स्तरों से एक मुनाफा वसूली आते हुए देखी है, मेरा मानना है कि कीमतें थोड़ी दबाव में ट्रेड कर रही है, तो सोयाबीन में एक बार ये यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन को, 4,350 अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस बने हुए हैं। वहीं अगर कपास की बात करें तो वहां पे पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि यूएस चाइना का ट्रेड डील यहाँ पे साइन होने वाला है, तो उसके बाद एक बार कॉटन कॉम्प्लेक्स में मजबूती देखने को मिल सकती है, तो कपास में यहाँ पे बढ़त देखने को मिल सकती है। कीमतें एक बार 1155-1160 तक के स्तर एनसीडीएक्स वायदा में दिखा सकती है। वहीं अगर कॉटन की बात करें तो 20,500 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं, तो कपास को होल्ड करें और सोयाबीन में एक बार जो है पोजिशन को एग्जिट ले सकते हैं। ठीक है, तो सोयाबीन बेच दीजिए और कपास को अभी थोड़े समय बाद आप बेचिए, 20,500 तक का भाव भी आपको मिल सकता है कॉटन में। शुक्रिया मनोज जी और प्रियंका आप दोनों का तमाम कमोडिटीज पर और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी कॉल में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं मार्केट स्टूडियो। नमस्कार।